कोई मस्ती का पिटारा लग रहा है। लगता है ये कोई खेल दिखा रहा है। संभल के बच्चों। ये क्या हो रहा है? मैं फंस गया हूँ। कौन कर रहा है ये सब? ये हमें कहाँ ले जा रहा है? बैम बैम बिम, ऐसे जीवित लोगों को बिना उनके मर्जी के कैद रखने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। अब तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे चिड़ियाघर में हमेशा के लिए कैद हो। हम इन कांच के पिंजरों को आसानी से तोड़ सकते हैं। ये पिंजरे बहुत मजबूत हैं। ये तुम क्या कर रहे हो कालिया? मैं एक सुरंग बना रहा हूँ जिससे हम बाहर निकल सके। खोदना बंद करो और इधर देखो, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नर्तकी सुई मुई। मैंने कहा नाचो वरना। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे बैम बैम बिम खुद हमें बाहर निकाले। बैम बैम बिम की जय हो। सुन के अच्छा लगा, तुम सबसे समझदार हो। तुम्हें मेरी महानता का एहसास हो ही गया। तुम तो जरूरत से ज्यादा समझदार निकले, मुझसे होशियारी करने चले थे। ये कहाँ गायब हो गया? ऊपर देखो, मेरे चिड़ियाघर से कोई बच के नहीं निकलेगा। वो एक लेजर गन का प्रयोग करने वाला है। सुई मुई, हटो उसके रास्ते से। मुझसे बचकर नहीं जा सकते। रुक जाओ भीम। भीम के होते हुए उसके दोस्तों को खरोंच भी नहीं आ सकती। घर की शान हो। तुम जैसे महान हस्ती को कैद नहीं कर सकते। कितनी धूल उड़ाई तुमने बाबा रे। माफ करना नोबू। इसकी बात का बुरा मत मानना स्काई ड्रैगन, ये हमेशा ही चिड़चिड़ा सा रहता है। वैसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं सोबू हूँ और ये नोबू है। हम मौजा ग्रह के रखवाले हैं। नमस्ते सोबू। स्काई ड्रैगन ने हमें मौजा ग्रह के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक जादुई क्रिस्टल है जो मौसम पर नियंत्रण रख सकता है। हाँ बाबा हाँ, तभी तो इस ग्रह का मौसम हमेशा सुहाना होता है।
यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे मौसमी क्रिस्टल चाहिए, जिसे मैं जब चाहे। और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हें मौसमी क्रिस्टल को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। दोस्तों तैयार हो जाओ। इसके मकड़ी वाले हाथ तो बड़े तेज और ताकतवर हैं। ये रहा मौसमी क्रिस्टल। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, इसलिए मेरी मकड़ी हाथों की ताकत कमजोर पड़ गई है। सूरज की रोशनी से ताकत, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। पहले एक लड्डू हो जाए। मौसमी क्रिस्टल ला दो मोजो ग्रह पर काले काले बादल। बादलों की वजह से सूरज की किरणें मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगी। उनके बिना मेरे मकड़ी हाथों में ताकत नहीं रहेगी। मेरे मकड़ी हाथ, तुमने मेरे मकड़ी हाथों को कमजोर कर दिया। भीम, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। और बाबा तुमने भी अच्छा काम किया। सुपर भी प्लैनेट कहूना में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ टिचको रासा। तुम तो सबसे शक्तिशाली हो सुपर भीम। ये खास कवच तुम्हारी सारी शक्ति खींच के हमें दे देगा। टिचको, तुम वैज्ञानिक हो और तुम्हारी शक्ति तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें ब्रह्मांड की मदद करनी चाहिए, उस पर राज नहीं। अब मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हारी शक्ति लेने के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। चलो भाइयों, सी चलो शुरू करें। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे शक्ति महसूस हो रही है भाइयों। क्या तुमने जहाज को इसी दुनिया में आते देखा? हाँ, यही है। स्काई ड्रैगन, पिचकू पिचकू और पिचकू रासा ने मेरी सारी शक्तियाँ ले ली। ये तो बहुत बुरा हुआ। भीम, कहाँ है ये रासा भाई? वो उस पहाड़ के पार उड़कर गए। हम उन्हें तुम्हारी शक्ति के साथ इस प्लैनेट से उड़कर नहीं जाने दे सकते। और तुम्हारे पास ये लड्डू है, असली भीम की शक्ति और बुद्धि। अब मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी शक्ति रासा भाइयों से वापस लाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं भीम, बस बताओ हमें क्या करना है। चुटकी, सुनो तो ये क्या बात कर रहे हैं? हम तीनों को एक साथ उड़ना होगा। एक साथ जुड़कर उड़ने वाले हैं और हमें तेजी से एक साथ मारने वाले हैं। तो हम सब साथ में खड़े होंगे और आखिरी मिनट पर मैं जब कहूँ सब साथ में कूदेंगे। ठीक है। मेरे साथ आओ। कर नहीं भाग सकता। उतरो, मैं थक चुका हूँ। चुटकी, राजू, चाकू, बाई तरफ भागो। कालिया, ढोलू, भोलू, तुम दाई तरफ भागो। अब सारे सर नीचे करो। ढोलू, भोलू, इतनी जोर से चिल्लाओ कि इनके कान पक जाएं।